बिहार के कटिहार जिले में कथित तौर पर हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के कुछ घंटों बाद ग्रामीणों के समूह ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया, जिसमें दो थाना प्रभारी SHO सहित 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि प्रमोद कुमार सिंह के हवालात में मृत पाए जाने के बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने प्राणपुर थाने पर हंगामा किया और परिसर में खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। शराब की बोतलें मिलने के बाद प्रमोद सिंह को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। SP ने दावा किया कि शव तब मिला जब पुलिस अधिकारी प्रमोद सिंह को अदालत में पेश करने के लिए दस्तावेज तैयार कर रहे थे। वहीं मौत की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने लाठियों और लोहे की रॉड से थाने पर हमला कर दिया और पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया। उन्होंने कहा कि पास के पुलिस थानों से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को बुलाए जाने के बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका। उन्होंने बताया कि घायल थाना प्रभारी शैलेश कुमार पुलिस कर्मियों की भेजी गई अतिरिक्त टीम में शामिल थे। 2 SHO सहित 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। SP ने बताया कि प्रमोद सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, साथ ही पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अभी एक हमारे जितने भी आरक्षी हैं, वो लोग किसी घटना स्थल पर चोटग्रस्त हो गए हैं। उन लोगों को लाया गया है जिन्हें काफ़ी चोट लगी हुई है। सब समों का इलाज यहाँ हो रहा है। उनकी संख्या 10 में है। एक को हायर सेंटर्स के लिए रेफर कर दिया गया है। कौन है वो? हाँ, वो शैलेश जी हैं, तो उनको रेफर कर दिए हैं। बाकी का इलाज यहाँ सही कर रहा है। हम लोग एक्सरे कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनके सर पे चोट है काफ़ी हार्ट एंड ब्लंट सब्सटेंस से, तो इसीलिए उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन और अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। सर, कारण क्या पता चला सर आपको? कारण हम लोग को कहा मारपीट हुआ है उसी से। मेडिकली पेशेंट की हालत कैसी थी जिनको रेफर किया गया? वो कुछ अभी इस्टेब्लिश्ड नहीं थे, कुछ उनको बोलने में भी और बहुत जगह उनका इंजुरी भी था, इसीलिए उसको विशेष इलाज। मारपीट किनके द्वारा की गई है सर? वो किसी ने बताया नहीं, और हम लोग को इनको खाली जो चिकित्सकीय जो आवश्यकता थी उतना ही उनसे पूछे गए, कहाँ चोट है, कैसे है, क्या है, पूरा हिस्ट्री जो स्पॉट वगैरह का अभी हमें पता है। एक बॉडी भी आई है सर? बॉडी एक आई, वो उसका क्या कहता है इंक्वेस्ट अभी नहीं मिला है, इसीलिए उसके बारे में डायरेक्ट नहीं बताया जा सर। इंक्वेस्ट मिलेगा तो हमारी टीम तैयार है, उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस के मारपीट के चलते जो कि डेड हो गया, तो उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि इसका निर्णय किया जाए, और जो है कि इसी में पुलिस आके बस पूरा फायरिंग करने लगा, पब्लिक के जो है कि इधर उधर हो गया पूरा। पुलिस के पिटाई से मेरा भाई का मौत हो गया।